यूक्रेन के खिलाफ अब अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में इस्तेमाल कर रहा है रूस। पिछले 36 घंटे में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन में दागी है। यहाँ रूस के रक्षा मंत्रालय का ये दावा है कि हमले में यूक्रेन के पावर सेक्टर, सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। 36 घंटे में आपको बता दें कई ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय यानी कि क्रेमलिन की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि बड़े अटैक में पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, साथ साथ सैन्य ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है रशिया के हमले में। आग उगलती मिसाइलें, कहर बनकर फटते ड्रोन और तबाही वाली ये तस्वीर करीब 10 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध की खौफनाक हकीकत यही है। इस जंग ने यूक्रेन का नक्शा ही बिगाड़ दिया, घरों को खंडहर में बदल दिया और शहरों को वीरान कर दिया। पिछले 36 घंटे में रूस की 100 से ज्यादा मिसाइलों की गरज यूक्रेन के आसमान में सुनाई थी। इसका जिक्र खुद रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में किया। В пятницу 16 декабря по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. यूक्रेन में खून जमा देने वाली सर्दी दस्तक दे चुकी है। जो डर ज़ेलेंस्की को था और नेटो देशों को भी, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। खुले आसमान के नीचे शामियाने बनाकर रह रहे लोगों को इस बार ये सुर्ख बर्फ डरा रही है। डर था कि इस बर्फ को पुतिन अपना हथियार बनाएंगे और यूक्रेन में कहर ढहाएंगे, और वो सच भी हो रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के पावर स्टेशन को निशाना बना रही है और तबाही वाली 2022 की तस्वीर को अगले साल 2023 में भी ताजा रखने की कोशिश कर रही है। В результате удара сорвана переброска оружия, боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. अब तक ऐसा माना जा रहा था कि ठंड के मौसम में रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूटेगा, लेकिन अब वो खुद इस बात को कबूल कर रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रहने को मजबूर करने के लिए मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के लोगों को सर्दी में जमने या पलायन करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़ेलेंस्की को बड़ी चोट दी जा सके। В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами противовоздушной обороны значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом скрыты позиции и уничтожены 4 радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка. भयंकर सर्दी के बीच जारी जंग में यूक्रेन की मुश्किलें तमाम हैं। इन मुश्किलों को पुतिन इस सर्दियों में अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की नेटो के भरोसे युद्ध में दम फूंक रहे हैं।